ओके हाय एवरीवन। सो आज हम एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 75 डिस्कस करेंगे। फिर से द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 12 माइक्रोफेरेड इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 6 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम थ्रू रेजिस्टेंस लेस लीड्स 12 माइक्रोसेकंड आफ्टर द कनेक्शंस आर मेड व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट। ओके सो पार्ट ए पहले हम डिस्कस करते हैं। अब देखो हमारे पास एक आरसी सर्किट है, बेसिकली इसमें एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस आपको 12 माइक्रो फैरेड दे रखा है। इस सर्किट में जो बैटरी है उसका ईएमएफ आपके पास 6 वोल्ट है और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है और यू कैन से जो रेजिस्टेंस है इस सर्किट में दैट इज 1 ओम। नाउ हम क्या करते हैं, टी इज इक्वल टू 0 पे इस सर्किट को कंप्लीट करते हैं। सो क्या होगा कि इस सर्किट में एक करेंट आएगा आई जो कि टाइम का फंक्शन होगा। आप देखो टी इज इक्वल टू 0 पे जो करंट होगा इस सर्किट में वो मैक्सिमम होगा, लेट से आई नॉट। इसकी वैल्यू कितनी होगी, सिंपली ई बाई आर, बिकॉज टी इज इक्वल टू 0 पे जब ये कैपेसिटर अनचार्ज्ड है तब ये एक प्लेन वायर की तरह बिहेव करेगा। सो आप इस कैपेसिटर को एक प्लेन वायर से रिप्लेस कर सकते हो। सो उस केस में जो करंट आएगा इस सर्किट में मैक्सिमम करंट दैट इज सिंपली जो बैटरी का ई एम एफ है डिवाइडेड बाई इस सर्किट का जो रेजिस्टेंस है। सो ई बाई आर, ई की वैल्यू हो गई 6 और रेजिस्टेंस हो गया 1, सो इट विल बी 6 एम्पियर। नाउ जो करंट होगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है ना, अब देखो जो इस सर्किट में करंट है वो टी इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम है और टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे जब ये जो कैपेसिटर है फुल्ली चार्ज हो जाएगा तब करंट 0 हो जाएगा। सो जो करंट है वो टाइम का फंक्शन है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है आई नॉट से 0 तक। सो आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दैट विल बी आई नॉट ई राइज टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। ये इक्वेशंस आपको डायरेक्टली लिखते आना चाहिए है ना। ओके सो यहाँ पे हमें पूछा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, करंट कितना है एट टी इज इक्वल टू 12 माइक्रो सेकेंड पे। सो जस्ट आपको वैल्यूज पुट करनी है, आई नॉट मैक्सिमम करंट वो कितना था 6, ई राइज टू द पावर माइनस टी की वैल्यू कितनी है 12 माइक्रो सेकेंड, सो दैट इज 12 माइक्रो मीन्स 10 रेज टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय आर कितना है 1 इंटू जो कैपेसिटेंस है दैट इज 12 माइक्रो फैरेड, सो 12 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6। सो आप देखो 12 कैंसिल हो रहा है, 10 रेज टू द पावर माइनस 6 कैंसिल हो रहा है, सो दैट इज 6 ई रेज टू द पावर माइनस 1। 6 ई रेज टू द पावर माइनस 1 मीन्स 1 बाई ई। आप देखो जो ई है ना वो एक नंबर है जिसकी वैल्यू 2.7 होती है ना, जो e है एक नंबर है जिसकी वैल्यू 2.7 होती है और जो 1 बाई ई होता है ना, जो 1 बाई ई होता है उसकी वैल्यू होती है 0.37। ये कुछ डेटा है, अगर आप ध्यान में रखोगे देन जो क्वेश्चन है वो आसानी से हो जाएंगे। सो 6 इंटू 0.37 ये कितना आएगा 2.2 एम्पियर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट एट टी इज इक्वल टू 12 माइक्रो सेकेंड। आप चेक भी कर सकते हो, आप देखो 6 इंटू 0.37 सो 2.22 आ रहा है, 2.22 है ना। ओके सो पार्ट ए हो गया, पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी क्या कहता है, द पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी ये निकालना है। सो देखो जो बैटरी पावर डिलीवर करता है दैट इज ईएमएफ ऑफ द बैटरी इनटू करंट पासिंग थ्रू द बैटरी और यू कैन से करंट सप्लाइड बाय द बैटरी। नाउ जो बैटरी का ईएमएफ है वो तो 6 वोल्ट है जो कि कांस्टेंट है, बट जो करंट है इस सर्किट में और यू कैन से जो करंट बैटरी सप्लाई कर रही है वो टाइम का फंक्शन है। सो जो पावर होगा वो भी टाइम का फंक्शन होगा, ये आई टाइम का फंक्शन है, दैट्स वाई जो पावर है वो भी टाइम का फंक्शन है। अब हमें पावर पूछा है किस टाइम पे, 12 माइक्रो सेकेंड पे। सो हमें करंट की वैल्यू लेनी है 12 माइक्रो सेकेंड पे, करंट की जो वैल्यू है 12 माइक्रो सेकेंड पे वो कितनी है 2.2, सो ये हो जाएगा 2.2। सो आप देखो जो पावर आएगा दैट इज सिंपली ईएमएफ कितना है 6 विच इज कांस्टेंट इनटू करंट की वैल्यू 12 माइक्रो सेकेंड पे 2.2। सो आप देखो ये कितना आएगा 13.2 वॉट, राइट। सो 13.2 वॉट। ओके पार्ट बी हो गया, पार्ट सी देखते हैं। द पावर डिसिपेटेड इन हीट, पावर डिसिपेटेड इन हीट। अब देखो सर्किट में हीट कौन जनरेट करता है, रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस है इस सर्किट में बस वही हीट जनरेट करता है और जिस रेट से हीट जनरेट होती है, जिस रेट से हीट जनरेट होती है रेजिस्टेंस के अक्रॉस दैट इज सिंपली आई स्क्वायर इनटू आर। नाउ जो आर है वो तो कांस्टेंट है दैट इज 1 ओम, बट जो आई है वो टाइम का फंक्शन है, इट मींस जिस रेट से हीट जनरेट हो रही है वो भी टाइम का फंक्शन होगा। हमें 12
माइक्रो सेकेंड पे हीट के जनरेट होने का रेट निकालना है। सो आपको जो करंट लेना है वो 12 माइक्रो सेकेंड का करंट लेना है, जिसकी वैल्यू कितनी है 2.2। सो एच विल बी, आई की वैल्यू आप कितने लोगे, 2.2 का स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू है 1। सो 2.2 का स्क्वायर आप देख लो कितना होता है, 4.84। सो 4.84 वॉट, इस रेट से आपके सर्किट में हीट जनरेट हो रही है। ये किस टाइम पे, 12 माइक्रो सेकेंड पे। अभी तक जो भी आंसर हम निकाल रहे हैं वो 12 माइक्रो सेकेंड पे निकाल रहे हैं ना। डी देखते हैं, द रेट एट विच द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज इंक्रीजिंग। ओके, नाउ अगर हम बात करें कि जो कैपेसिटर है उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है, पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज सिंपली क्यू स्क्वायर अपॉन 2C, राइट। नाउ जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर का, वो तो कांस्टेंट है, दैट इज 12 माइक्रो फैरेड। सो आपका जो डिनोमिनेटर है वो तो कांस्टेंट है, बट जो न्यूमरेटर है ना क्यू, लेट मी राइट स्मॉल क्यू, स्मॉल क्यू मैं लिखता हूँ। स्मॉल क्यू मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, बिकॉज आप देखो जो चार्ज है ना कैपेसिटर पे, वो टाइम का फंक्शन होगा, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। जब कैपेसिटर चार्ज होता है तो उसमें जो चार्ज आता है वो टाइम का फंक्शन होता है। क्यू इज इक्वल टू CE1 - e⁻⁻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 
होती है ना. सो बिकॉज जो चार्ज है वो टाइम का फंक्शन है, इट मीन्स जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी टाइम का फंक्शन है. सो हमें बताना है किस रेट से आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज हो रही है, किस टाइम पे, 12 माइक्रो सेकेंड पे. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, रेट ऑफ चेंज मीन्स डी यू बाई डी टी. सो पहले डी यू बाई डी टी कर लेते हैं. डी यू बाई डी टी इसकी वैल्यू निकालनी है. सो डी बाई डी टी यू की वैल्यू क्या है, ये यू की वैल्यू है. सो इसको पुट कर दो, क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी. सो ये जो टू सी है ये तो कॉन्स्टेंट है, ये तो बाहर हो जाएगा, वन अपॉन टू सी. क्यू स्क्वायर का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे, सो टू क्यू इंटू डी क्यू बाई डी टी, चेन रूल आपको यूज करना पड़ेगा है ना. क्यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा टू क्यू और डी क्यू बाई डी टी, बिकॉज आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, चेन रूल. सो यहाँ से टू से टू कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बी क्यू बाई सी एंड डी क्यू बाई डी टी, दिस इज नथिंग बट करेंट आई. तो आप देखो ये सारे जो पैरामीटर्स है आपको टी इज इक्वल टू 12 माइक्रो सेकेंड पे लेना है ना. लाइक जो कैपेसिटेंस है वो तो कांस्टेंट है, बट जो क्यू है और जो आई है वो टाइम का फंक्शन है. सो हमें टी इज इक्वल टू 12 माइक्रो सेकेंड पे इनकी वैल्यूज लेनी है. नाउ 12 माइक्रो सेकेंड पे जो करंट की वैल्यू है वो तो है 2.2. जो कैपेसिटर है वो तो कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू है 12 माइक्रो फैरेड, इट मींस 12 इनटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6. बट जो चार्ज की वैल्यू है 12 माइक्रो सेकेंड पे वो आपको निकालनी पड़ेगी यूजिंग दिस इक्वेशन. ये जो इक्वेशन है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की, इसका यूज करके हमें चार्ज निकालना पड़ेगा कैपेसिटर पे 12 माइक्रो सेकेंड पे. सो सी जो कैपेसिटेंस है दैट इज 12 माइक्रो फैरेड, सो 12 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6. ई की वैल्यू कितनी है, 6. 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 माइक्रो सेकेंड. सो 12 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय जो रेजिस्टेंस है दैट इज 1 और जो कैपेसिटेंस है दैट इज 12 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6. सो आप देखो ये कैंसल हो जाएगा. सो ई रेज टू द पावर माइनस 1, ई रेज टू द पावर माइनस 1 दैट इज 0.37 और 1 माइनस 0.37, 1 माइनस ये जो पूरी वैल्यू है ना e की पावर माइनस 1 ये हो जाएगी 0.37 और 1 माइनस 0.37 दैट इज 0.63. सो ये जो वैल्यू हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.63 इंटू 12 इंटू 6 72 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6. सो 72 इंटू 0.63 45.36 into 10 raised to the power minus 6 coulomb. इतना चार्ज होगा कैपेसिटर में 12 माइक्रो सेकेंड में, 45.36 माइक्रो कूलम्ब आप कह सकते हो ना. सो ये जो Q है इसकी वैल्यू है 45.36 into 10 raised to the power minus 6. सो बस आपको कैलकुलेशन करनी है. आप देखो क्यू आई बाई सी, सो ये हो जाएगा 45.36 10 राइज टू द पावर माइनस 6 और 10 राइज टू द पावर माइनस 6 कैंसिल हो जाएंगे. आई की वैल्यू है 2.2 डिवाइडेड बाय जो सी की वैल्यू है दैट इज 12. सो 45.36
इंटू 2.2 डिवाइडेड बाय 12, 8.3। सो 8.3 जूल पर सेकेंड, इस रेट से आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर में वो इंक्रीज हो रही है। होप यू हैव अंडरस्टूड। कीप वर्किंग हार्ड। बेस्ट ऑफ लक। बाय।